आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी वेज क्लब मसाला सैंडविच। मिनटों में बनके तैयार, बट स्वाद ऐसा कि इसके सामने सभी सैंडविच फेल हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा स्ट्रीट पर रेस्टोरेंट में वेज क्लब सैंडविच बहुत ही फेमस है, पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जिससे आप बड़े ही आसान तरीके से इसे घर पे ही बना सकते हैं। ये 3 लेयर सैंडविच हेल्दी तो है ही, बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का कप बंद गोभी का लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे मैं बाउल में डाल रही हूँ। ये मैंने गाजर लिया है, मीडियम साइज का कप है, इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये शिमला मिर्च लिया है मैंने, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो रेड येल्लो शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। ये टमाटर को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 3 बड़े चम्मच मैंने मेयोनीज के लिए हैं, इससे हमारे सैंडविच बहुत ही क्रीमी और चीजी बनेंगे, तो मेयोनीज को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून ऑरेगैनो लिया है मैंने, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्स हर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। ये काली मिर्च ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून से कम, नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सीजन की सब्जी इसमें बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो देखिए सब्जियां अच्छे से मेयोनीज में मिक्स हो चुकी हैं। बारीक चॉप धनिया इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो सैंडविच की फिलिंग बनके रेडी है, बहुत ही क्रीमी फिलिंग बनके रेडी हुई है। तो चलिए सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं जंबो साइज की ब्रेड का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल साइज की ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलिंग को हम ब्रेड पे अच्छे से लगा लेंगे, पूरी ब्रेड पे हमें इसे अच्छे से फैला के लगाना है। यहाँ आप चाहे तो ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो पूरी फिलिंग को मैंने अच्छे से ब्रेड पे लगा लिया है। अब दूसरे स्लाइस पे हम बटर अप्लाई करेंगे, चारों तरफ हम अच्छे से बटर को अप्लाई करेंगे। स्ट्रीट रेस्टोरेंट में भी इसी स्टाइल से सैंडविच बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब फिलिंग के ऊपर हम चीज स्लाइस लगाएंगे, तो पूरी ब्रेड पे मैंने अच्छे से चीज स्लाइस को लगा लिया है। अब बटर वाली साइड से हमने इसे कवर कर दिया है और ऊपर भी हम बटर की एक लेयर लगाएंगे। तो यहाँ बटर में हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस स्टेज पर हम इसके ऊपर अब खीरा लगाएंगे। मैंने खीरे को बहुत ही पतला पतला काटा है, तो सैंडविच पे खीरा मैंने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला लगाएंगे, चारों तरफ से अच्छे से हमें चाट मसाला लगाना है। और इसके ऊपर हम अनियन के स्लाइसेस लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर चीज स्लाइस लगाएंगे। अब तीसरी ब्रेड पे हम टोमेटो केचप लगाएंगे, टोमेटो केचप को अच्छे से पूरी ब्रेड पे फैला देंगे और केचप वाली तरफ से ही हम ब्रेड को कवर कर देंगे। अच्छे से हमें इसको कवर कर देना है और इसके ऊपर अगेन हम बटर लगाएंगे। अच्छे से हमें पूरे ब्रेड पे बटर लगाना है। तो बटर मैंने लगा लिया है, सैंडविच मेरा हाफ बन के रेडी है। तो चलिए इसे ग्रिल करते हैं। ग्रिल टोस्टर का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहें तो ग्रिल पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। टोस्टर पे हम नीचे की साइड पे बटर लगा लेंगे, ऊपर हमने ऑलरेडी बटर लगाया हुआ है। तो चलिए टोस्टर को बंद कर देते हैं। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ग्रिल करेंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का सैंडविच हमारा बन के रेडी हुआ है, कितना ही क्रिस्पी सैंडविच हमारा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए इसे टोस्टर से निकाल लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। मैंने जंबो ब्रेड का यूज़ किया है, इसीलिए मैं इसके 4 पीसेस काटूंगी। आप नॉर्मल साइज़ की ब्रेड लेंगी तो आप इसके 2 ही पीस काटिएगा। तो चलिए दूसरी साइड से भी मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए कितनी इजीली मैंने इसको 4 पीसेस में काट लिया है। तो चलिए अब एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए कितने ही बढ़िया कलरफुल हमारे सैंडविच बन के रेडी हुए हैं, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। इवनिंग टी में खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, बहुत ही बढ़िया सैंडविच हमारे बनके रेडी हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो हमारी स्ट्रीट स्टाइल मसाला क्लब सैंडविच बनके रेडी हैं।
आप इसकी फिलिंग को 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन हो सैंडविच रेडी कर लें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।